सर्विस टैक्स कार्यालय में योग करते हुए ये सभी अधिकारी और कर्मचारी सर्विस टैक्स विभाग के हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सर्विस टैक्स विभाग के कमिश्नर आरसी सांखला ने भी योग कर सभी को योग करने का संदेश दिया। योग से पहले कमिश्नर आरसी सांखला और डिप्टी कमिश्नर रुद्र प्रताप सिंह ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके अलावा माँ सरस्वती को माल्यार्पण भी किया गया। सभी अधिकारियों को योगा भारतीय योग संस्थान के प्रशिक्षक राजीव शर्मा ने कराया। योग हर इंसान के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना कि इंसान काम को प्राथमिकता देता है। आइए सुनते हैं कमिश्नर आरसी सांखला का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में क्या कहना है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और बहुत अच्छा सजेशन भी है। एक्चुअली अगर आप जापान में जाएंगे तो वहाँ एक घंटा पहले ऑफिस में काम करने से पहले फ्लैक्सीबल है वो, आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। आप एक घंटा आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल वॉक करें, कुछ भी करें। देखिए आदमी 8 घंटे 10 घंटे जब मेंटल प्रेशर में स्ट्रेस में काम करता है तो स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली बढ़ता है और एफिशिएंसी कम होती है। तो ये चीज़ें जो योगा है या फिजिकल एक्सरसाइज है, वॉकिंग है। सर्विस टैक्स विभाग का कार्यालय संजय प्लेस में मौजूद है। यहाँ पर सभी अधिकारियों ने योग गुरु के माध्यम से योग किया। सभी जानते हैं कि योग उनके जीवन में कितना महत्व रखता है। 11 दिसंबर 2014 को योगा को के लिए 11 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की और ये इसका चुनाव 21 जून के रूप में किया गया, क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिवस होता है और उस दिन सूर्य दक्षिणायन में जाता है। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक इतिहास है, परंतु 2015 से ये पहली बार योग दिवस मनाना शुरू किया गया और आज 21 जून 2017 को ये तीसरा योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के 150 देशों में मनाया गया। करोड़ों लोगों ने युगों से चले आ रहे योग के बारे में एक बार फिर से जागरूकता दिखाई है। अगर इंसान लगातार योग करता रहे तो उसके जिंदगी के कुछ पल बढ़ सकते हैं, साथ ही वो स्वस्थ रहकर ज्यादा काम भी कर सकता है। इसके अलावा उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी काबू में किया जा सकता है। इसलिए योग नियमित करना इंसान की प्राथमिकताओं में शुमार होना चाहिए। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।